सत्य माइनिंग विभाग दी मिली भुगती ना धड़ लेना चल रहा है नजायज माइनिंग। मीशा मेहता भाजपा हलका गढ़शंकर इंचार्ज मीशा मेहता ने मीडिया को संबोधन करते हुए सब डिवीजन गढ़शंकर ते महलपुर इलाके दे विच चल रही गैर कानूनी माइनिंग दी पोल खोलदिया जिले के माइनिंग विभाग ते महलपुर पुलिस ते खनन माफिया नाल मिली भुगती का इल्जाम लाए हैं। निमिशा मेहता ने महलपुर के पिंड मनोलिया विखे जाके बुजुर्ग महिला जसवीर कौर की मंग ते 7 एकड़ विच चल रही माइनिंग ते महलपुर थाना मुखी ते माइनिंग माफिया ते आरोप लगाते हुए कहा कि मनोलिया पिंड के 7 खेतों दे आम आदमी पार्टी की सरकार आने मगरों माइनिंग गोदपुर पिंड के आम आदमी पार्टी के वर्कर वालों की जा रही है। उन्होंने कहा कि जसवीर कौर ने महलपुर पुलिस नूं यह भी दस्या कि वह कई बार मनवीर सिंह कोल इस नजायज काम नूं बंद करवाने वास्ते गया पर हर बारी आप का यह वर्कर अते विधायक के चहेते परिवार का मैंबर उस नूं एक-एक दबकाउंदा सी कि सरकारी दरबारे उसकी पहुँच है। पिंड जा के जिहड़ा 7 खेतों के नजायज माइनिंग हो रही है, ये आंटी जसवीर कौर जी है, उम्र इन्हों की 65-66 साल है। तो इन्होंने कहते उत्ते मैं पहुंची सी क्योंकि इन्होंने खेतों के नाल लगती है वह जमीन जिते नजायज माइनिंग चल रही है और ये इलीगल माइनिंग चलद्या बहुत लंबा समा हो गया। जब तो आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उदों तो यह धंधा उत्थे चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रालियां जिहड़ा मैं कहनी तड़ाले दे नाल रेता मिट्टी लद के लैके जाते हैं, कितने 12 फुट 14 फुट 18 फुट भी मिट्टी जिहड़ा उत्थे चक हुई है। और हैरानी की गल यह है कि 35 मिनटां दे विच कल जदों उत्थे लाइव चलिया तां पुलिस तां जरूर पहुंची। पुलिस नूं SHO साहब नूं उन्हां दी टीम नूं साढ़े ए आंटी जी ने दस्या कि मनवीर सिंह नाम का गोंदपुर का बंदा भी उन्हां वल्लों यह मिट्टी जिहड़ी चक्की जा रही है। और जदों ये मिट्टी चक्की जा रही है इन्होंने कई बार अप्रोच भी किया उस बंदे नूं भी भरावा मिट्टी ना चक, मेरे खेत हट जाने हैं, मेरे पति काम नहीं कर सकते, मेरा बेटा मेरी बेटी जिहड़े है उन्हां दी अवस्था भी इदां दी भी वह काम नहीं कर सकते हैगे, तो मैं बुढ़ी जनानी जिहड़ी हाँ, मेरी रोटी का साधन मेरी जमीन है, जे मेरी जमीन ही सारी हड़ के खराब हो गई तो मैं किधर नूं जाऊँगी, मैं रोटी कित्थों खाऊँगी। इन्होंने कई बार जाके उस बंदे नूं बेनती की पर उस बंदे ने स्पष्ट तौर दे उते कह दिता कि साड़ी सरकारे दरबारे पहुँच जिहड़ी बहुत उची हो गई सरकार दे विच, ते साड़ी जिहड़ी हलका विधायक नाल सीधी गल है ये गल्लां उन्होंने कह के तो जिहड़ा इन्हां नूं धमका के एक तरीके दे नाल उत्थों तोड़ दिता। तां मैं ये भी कहना चाहनी है कि जदों मौके दे उते SHO साहब नूं ये गल दस दित्ती गई, जदों जिहड़ा कंप्लेनेंट है वह दस रहा स्पष्ट दस रहा, नाल ये भी दस्या गया कि उत्थे खेत दे विच जदों ये मिट्टी चकदे आ उस तों बाद दबादब ये बंदे जिहड़े इलीगल माइनिंग करन वाले खनन करन वाले ये खेत नूं लैवल कर देंगे करा के उस तों बाद नाल दी नाल लैवल कर देंगे जिहदे नाल ताकि पता ही ना लगे अथॉरिटीज़ नूं। और हले तक मालपुर दी पुलिस वल्लों जिहड़ा इहदे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की गई, माइनिंग विभाग वालों कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपने आप दे विच इह एक क्लीयर जिहड़ा एक सबूत है कि पुलिस ते प्रशासन जिहड़ा है माइनिंग दा जिहड़ा विभाग है वह आप रल के जिहड़ा गैर कानूनी काम खनन माइनिंग जिहड़ा करा रहा है रेता माफिया और मिट्टी माफिया चलवा रहा हलका गढ़शंकर दे विच। और मैं कहना चाहनी हाँ कि जय कृष्ण रौड़ी साहब इन्हां दी पार्टी आम आदमी पार्टी पहले बहुत होके दिंदे सीगे असीं बदलाव लैके आवांगे असीं गैर कानूनी धंधे नहीं चलन देंगे। अज रौड़ी साहब मैं थानू वंगार के कहनी हाँ ललकार के कहनी हाँ कि जेकर तुसीं साफ सुथरे हैं तुहाडा इस माइनिंग दे विच हथ नहीं तां तुसीं आप जिहड़ा अफसर लैके पुलिस विभाग दे और माइनिंग विभाग दे इस बजुर्ग माता नूं जिहड़ा तुसीं इंसाफ दवाओ और उन्हां गुंडियां दे उत्ते जिहड़े बंदे अज गुंडागर्दी करके दस रहे आ एक जिहड़ा बजुर्ग महिला दे नाल उन्हां दी गुंडागर्दी नूं नत्थ पवाओ उन्हां दे उत्ते परचे कराओ। पर मैं ये भी गल अपने मीडिया दे साथियों नूं जिहड़ा दावे दे नाल कह सकदी हाँ कि इन्हां लोकां ने रौड़ी ने जिहड़ा अगे निकल के आना ही नहीं क्योंकि इहदा अपना ही जिहड़ा कारनामा इस एपीसोड दे विच स्पष्ट हो जाना, इन्हें ना तो किसी दे परचा होण देना ना इन्हें परचा कराना कराने लई ना इन्हें आवाज़ चुकनी है। इस तों लोकां नूं क्लीयर हो जाना कि असलियत दे विच किहड़ा भेड़िया है जिहड़ा इहो जिहा गलत काम मजलूमां दे नाल जिहड़ियां महिलावां दे नाल भी बजुर्ग लोकां दे नाल भी करा रहा और धंधा जिहड़ा काला धंधा है इत्थे माइनिंग दा हल्के दे विच करा रहा।
स्पष्ट है जदों कंप्लेनर ने मौके दे उत्ते दस दिता कि आ बंदे हैगे जिहड़े कर रहे हैं काम, हले तक एफ आई आर ही नहीं दर्ज हुई। ईवन माइनिंग की एफ आई आर नहीं दर्ज हुई कि उत्थे माइनिंग हुई है, उन्होंने माइनिंग ही नहीं नज़र आई। ये तो तुहानू की लगता है इहदा? तुसीं एक गल ये भी सोचो, एक टैंपू भी जिहड़ा है उन्हें भार ज़्यादा लद्या होवे ते पुलिस वाले उन्हें खड़ा कर लेंदे है और उन्होंने इन्ना जलील करते हैं जिहड़ा हद साब कोई नहीं। और इत्थे सैकड़े ट्रालियां जड़िया निकल गई रेते दियां मिट्टी दियां, इन्हां पुलिस वालों दिखिया नहीं? इन्हों पिंड पिंड दे विचों चप्पे चप्पे चो खबर जाती है हर वेले, इन्हां लोगों नूं पता नहीं लगा। ये अपने आप दे विच एक सबूत है कि पुलिस जड़ी है ये मिली हुई है, रली हुई है इस माइनिंग माफिया दे नाल। और मैं कहना चाहनी हाँ इहो जे पुलिस कर्मी जड़े है इन्हां नूं अपनी सीट ते रहण दा अधिकार नहीं, इन्हां दे उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहीदी है। और मैं ये भी दसना चाहनी हाँ कि असी जिहड़ा इलाके दे विच धरना देंगे इन्हां लोगों के उत्ते कार्रवाई कराने लई, असी चुप नहीं करके बैठांगे। भारतीय जनता पार्टी और मैं और मेरे साथी असी चुप नहीं बैठांगे। असी हलका गढ़शंकर दे विच जिहड़ा गढ़शंकर दे विच या रखड़ी तो बाद आने वाले दिनों दे विच जसवीर कौर घर वाला मेरा मंजे ते उहनूं अटैक होया आ, मुंडा मेरा सिद्धा कुड़ी मेरी गुंगी बोली आ, मेरे नाल सिद्धा धक्का हुंदा। मैं जाके कई बार उन्हां दीआं मिहनतां करे आईआं पर उह हटे नहीं, वो हटते नहीं। हुण मेरी सारी जमीन हट के उत्थे आ जानी, मैं रोटी कित्थों खाऊं? मैं यही चाहनी हाँ कि मेरी मदद की जाए, साड़ी पहुँच वा, बस इस तो वादू मैं कुछ नहीं कहते, हुण साड़ी पहुँच वा कहते। मैं चुप करके आ जानी हाँ, पहुँच या मैनू खरे की कर दोगे? मेरे तो अगे नहीं तुर हुंदा हैगा, मैं तो अगे मेरी बुरी हालत आ, घर मेरे अगर डोलियां पईआं, मैं कित्थे नूं जाऊं? उस जमीन के सिर ते मैं माड़ी जिही रोटी खानी हाँ, हुण सारी जमीन मेरी हड़ के उत्थे आ जानी, मैं किधर नूं जाऊं? मेरा कोई सहारा नहीं हैगा। इन्हां दी माइनिंग उठाई जाए, इन्नी जिद्दां चक्की इहनूं भरना, वो मेरा मेरे खेत हड़ नूं उठाउण जिद्दां उन्हां तों हो सकदा, मेरे खेत उठाउण, नहीं तां फिर उन्हां ते जो कानूनी कार्रवाई हो करना।